फर्स्ट हम अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे वेट वाइप से। स्किन को क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर हमारे स्किन की जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर देती है और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। टोनर हमारे स्किन में अच्छे से अब्जर्ब हो जाए फिर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मॉइस्चराइजर। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, समर हो या विंटर हो, आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। अगर आपका ऑयली स्किन है तो सिलिकॉन बेस या मैटिफाइंग प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हो, जेल बेस भी कर सकते हो। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप ड्यू इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है जो बहुत ही अच्छा फेस में ग्लो भी देता है और हमारे स्किन में प्राइमर का भी काम करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी नेचुरल ग्लो आया है। अभी हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर यहाँ पे मैं इनकी स्किन टोन से दो शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो कलर करेक्टिंग भी कर सकते हो। इनकी जो डार्क सर्कल है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इनकी स्किन से दो शेड डार्क लेके ही उनकी प्रॉब्लम को हाइड कर दिया है। अभी हम अप्लाई करेंगे उनकी स्किन टोन की शेड का कंसीलर। इससे जो डार्कनेस उनके फेस पे आया है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फुल फेस इवन देखेगा। यहाँ पे मैंने इनकी स्किन टोन की शेड का कंसीलर यूज़ किया है। अभी मैं इसको साथ में ब्लेंडिंग भी कर लूँगी और इसके बाद ही मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। आप कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज पाउडर से अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इनकी स्किन पे ड्यू फाउंडेशन अप्लाई किया है एलेगाल का। इनकी स्किन ड्राई है, फिर हम इससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर भी हम यहाँ पे एलेगाल का कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी हैंड में लेकर मैं अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। इनका फेस बहुत हैवी है तो मैं इनको थोड़ी सी लिफ्टेड फेस दिखाऊँगी क्योंकि उनको नहीं करना था कॉन्ट्रोल, तो मैंने कहा थोड़ा कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रोल का जो लाइन होता है ईयर्स के ऊपर से आइस के आउटर करने तक आपको उसको अप्लाई करना है, इसके बाद ही ब्लेंड करना है। यहाँ पे हम सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही हम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अभी हम अप्लाई करेंगे लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश यहाँ पे हम शीग्लेम का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्रीमी ब्लश है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, एकदम स्मूथ लुक देता है ये और नेचुरल लुक भी देता है। तो हम इसको अभी हम अप्लाई करेंगे लिक्विड हाइलाइटर। हम फेस के हाई पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। एल्फ की कंसीलर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। फिर इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और इसको ब्लेंड करने के बाद हम लोज़ पाउडर से इसको सेट कर देंगे। जो भी क्रीम प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसको हमें पाउडर से सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने शुगर का पाउडर यूज़ किया है लोज़ पाउडर और पास से मैं सेट कर दूँगी फाउंडेशन को या जो भी क्रीम प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं सबको हम लग कर देंगे पाउडर प्रोडक्ट से। फिर यहाँ पे हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट यूज़ किया है। इसमें 3 शेड आता है और बहुत अच्छे से एकदम नेचुरल लुक देता है ये, देख सकते हो आप। यहाँ पे हम करेंगे अभी आई शेडो। मैं प्रीटी ऑल का सेट यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्रीज लाइन में अप्लाई किया है लाइट ब्राउन शेड। आई लुक को भी नेचुरली रखना है। ये जो आई लुक मैं कर रही हूँ आप कोई भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, बहुत ईजीली हो जाता है और सारे ड्रेस के साथ चलता भी है ये। ये देखिए आई लुक, फाइनल लुक। यहाँ पे जो भी शिमर फोल्ड हुआ है उसको मैं रिमूव करके फिर मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश और पाउडर कंटूर अप्लाई की हूँ। पाउडर कंटूर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग अप्लाई करूँगी। बीच ऑफ द नोज पे भी करूँगी, क्यूपिड बोन्स पे, ब्रो बोन्स पे भी अप्लाई करूँगी मैं हाइलाइटर और चिक बोन्स पे भी करूँगी। जहाँ पे भी हमें फेस को हाईलाइट करना वहाँ पे करेंगे। अगर आपकी हाइलाइटेड पॉइंट पे पिंपल्स है, कोई भी स्पॉट है, तो वहाँ पे हाइलाइटर मत लगाइएगा, नहीं तो और भी ज़्यादा वो पॉप आउट होकर निकलेगा। फिर फोरहेड पे अप्लाई भी करूँगी मैं। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूट काजल, क्योंकि इनकी आइज बहुत छोटी है इसलिए मैं न्यूट काजल अप्लाई कर रही हूँ। फिर एक छोटा सा फ्लैट ब्रश से मैं
डार्क ब्राउन शेड लेके मैं लॉलेज पे अप्लाई करके ब्लेंड कर दूंगी। जो शेड मैंने आई शेडो में अप्लाई किया था बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं आउटर लाइन क्रिएट करूँगी, लिप्स का शेप क्रिएट करूँगी, फिर मैं अंदर फिल कर दूँगी उसी लिपस्टिक से ही कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लिप्स को बहुत ही न्यूड रखा है। फिर यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लाइनर। यहाँ पे मैं लाइनर स्केच लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जो बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। स्केच लाइनर से कोई भी ईजीली लाइनर क्रिएट कर सकता है।